नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर किसी पर्टिकुलर फोटो के ऊपर पिंपल्स हैं, उस पिंपल्स को कैसे ठीक करना है, उसका क्या मैकेनिज्म है और कैसे काम करता है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से अपन ने पैच टूल लिया और यहाँ सीधे कट लगाया और इधर ड्रैग कर दिया। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जहां पर अगर पूरे स्किन भर पिंपल हो तो फिर कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर ठीक से देख रहे हो तो नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये पिंपल्स नहीं है, कम है, कम मात्रा में। इसको ठीक करने का मैकेनिज्म, जैसे मैं यहाँ से इसको कट लगा लेता हूँ, इतनी जगह मुझे ठीक करना है, ठीक है। यहाँ से एक और टूल दिया है, कॉन्टेंट अवेयर मोड टूल का। यहाँ से सीधे इधर लेके आएंगे इसको और इसको कर देंगे छोटा, कुछ भी बटन क्लिक नहीं करना, इतना छोटा कर देंगे और यहाँ छोड़ देंगे। जैसे क्लिक किए ये ऑटोमेटिक हट गया। वापस से पैच टूल की मदद लेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे। अब जब यहाँ की स्किन ऑलरेडी ठीक हो चुकी है तो अब हम इसकी मदद ले सकते हैं बार बार बहुत सारी जगहों पर। जैसे कि ये इतना बड़ा एरिया है, अब इस सरफेस को ठीक करने में काफी दिक्कत जाएगी। इतना बड़ा सरफेस यहाँ है तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, तो गड़बड़ करना नहीं है। तो उसके लिए यहाँ से आएंगे कॉन्टेक्ट अवेयर टूल में, यहाँ सीधे ड्रैग कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं पहले छोटा और यहाँ पर परफेक्ट जगह में ड्रैग कर देते हैं और इसको यहाँ से वापस ठीक कर देंगे। ये ठीक हो गया। उसके अलावा जहां जहां आपको गड़बड़ी नजर आती है वहां वहां सेम फार्मूले से काम करें। उसके बाद में पहले अब मैं चेंजेस आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने बदलाव इस टूल की मदद से किए जा सकते हैं और कितना बेहतरीन कारगर साबित होता है। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं इधर पिन पर। इसमें कुछ पेड फिल्टर्स की यूज की जरूरत पड़ेगी मुझे, इसका उपयोग करने के लिए। अगर आप लोग पेड फिल्टर्स नहीं है आपके पास में, तो मैंने उसका भी अल्टरनेटिव बताया है कैसे इसका उपयोग करते हैं, यानी कि कैसे थोड़ा ज्यादा काम करना होगा लेकिन फोटोशॉप में सब कुछ पॉसिबल है। ये पैटर्न मैंने बताया है, उसको जरूर देखें चैनल पे जाके। लगभग बहुत सारी जगह मैंने क्लियर कर लिया हूँ और जहां जरूरत है और थोड़ा सा मैनेज कर लिया। ये हो गया। अब यहाँ से फिल्टर करने की जरूरत है। पहले और अब में अगर आप चेंजेस देखना चाहें तो आपको साफ नजर आएगा पहले क्या था फोटो, अब क्या है। देखिए, पहले कुछ इस तरीके से था, अब कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ और वो क्या चेंजेस करना है तो फिल्टर चला लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखा और ट्रस्ट एंड स्केचेस जो भी टेस्ट और क्लियर हो जानी चाहिए और यहाँ से वापस एक बार और कॉन्फ्रेंस चलाएंगे। आप देख लेंगे आपको चेंजेस। पहले और अब में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो पहले फोटो कुछ इस तरीके का था और अब है कुछ इस तरीके का। पहले और अब देख सकते हैं आप, ऐसे इसका पूरा मैकेनिज्म काम करता है कि किस तरीके से चीजों को बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सके। अगर आपको चीजें समझने में दिक्कत हुई हो, ठीक से देखेंगे चीजों को समझेंगे तो जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक पर और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय भीम।